कपाल भाति सांस को बाहर निकालते रहते हैं और अंदर लेने का प्रयास नहीं करते हैं, इससे क्या होता है हमारी आंखें जो एक प्रकार से स्थिर रहती हैं, इसमें क्या होता है मूवमेंट गति होता है, गति होने से क्या होता है पेट साफ होता है, पेट साफ होने से क्या होता है बहुत सारे जो आयुर्वेद है उसके भी जिन्होंने बनाया वो महर्षि पतंजलि हैं और जो योग बनाया उन्होंने उनके भी आचार्य कौन है महर्षि। ये दोनों योग और आयुर्वेद दोनों एक सगे जुड़वा की तरह से जो इससे संबंधित होती है वही आयुर्वेद। कपाल भाति आंख से बाहर निकालेंगे, कमर से वायु मुद्रा लगा पहला दिन है जो लोग अब तक करें तो बहुत सकते हैं इसको कम से कम 5 मिनट के लिए, ऐसा नहीं थोड़ी देर करेंगे लाभ हो जाएगा, थोड़ी देर करेंगे 5 मिनट करेंगे तो धीरे धीरे बहुत अच्छा। कुछ लोग जैसे आप हैं किसानों की और मेहनत करने से किसानों को करने से क्या फायदा हमारा शरीर कैसे दुबला पतला है, योग किसी दुबले पतले और मोटे के लिए नहीं, योग हमारे जीवन उसी को वैदिक धर्म मानता है, हमारी आत्मा आज की नहीं आप लोग बात करेंगे भारत के जन्म हुए अगला जन्म होगा नहीं, योग इसके लिए जो हमारे बहुत सारे जन्म से हो जाए, हमारे पिछले जन्म के कर्म हैं वो भी अच्छे हो जाए, जो आगे वाला होगा उसका भी अच्छा हो जाए, इसके लिए योग। और हमने कहा योग क्या है, परम पिता परमेश्वर के जो हमारे परम पिता हैं और हम क्या उनके बच्चे उसको मिलाने के लिए, इसी का नाम योग। ठीक है, तो अगर परम पिता परमेश्वर की तरफ हमारी लगन जाएगी तो निश्चित रचयिता वही हमको सब कुछ प्रदान करेगा, किसी चीज़ की कमी हमारे पास ही। ठीक है, ये 4 प्राणायाम हो गए, पहला ओम, दूसरा क्या था हमारा नाड़ी शोधन जिसको अनुलोम विलोम भी कहते हैं, तीसरा क्या था भ्रामरी और चौथा क्या था कपाल और प्रतिहान, इसके अलावा और सारे हैं बहुत सारी चीज़ें हैं जिसको आप कंट्रोल कर सकते हैं, लेकिन ये 4 प्राणायाम बहुत ही आसान है, इसको प्रतिदिन करना। और आप सोचेंगे समय कब निकलेगा, तो मानव जीवन में कभी समय नहीं मिलता है, कब तक जब तक हम ऊपर जाने की तैयारी नहीं करते, और ये क्लियर है कि हम सबको ऊपर जाना है, एक तो इसकी तैयारी हो गई, दूसरा अगर हम प्रतिदिन योग करेंगे तो हमारे हार्ट लीवर किडनी सब सही रहेंगे, यानी आधा घंटा हम योग में देंगे तो उसके बदले 30 साल हमारी ज़िंदगी के बढ़ जाएंगे, जब 60 में जाएंगे वो 90 और 100 में जाएंगे, इसके लिए बहुत ज़रूरी है सब लोग प्रतिदिन योग करें, इतना अगर समय लगाएंगे तो हमारे
बाबा आवाज तू लोगन का तो जरूरी है कि अब पैर दिक्कत हो है घुटना वाला बता रहे हैं प्राणायाम करेंगे बहुत ही जबरदस्त।